हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एपॉक्साइड को समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की ओर। तो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों, अब हम लेते हैं फिनॉल, जो कि आपके एल्कोहल एल्कोहल ईथर और फिनॉल के चैप्टर में सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों, ये आपका फिनॉल। तो फिनॉल आपका होता क्या है? सबसे पहले फिनॉल को अब हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर फिनोल को अब हम समझते हैं। देखो यहां पर फिनोल आपका ये होता है, ये वाला कंपाउंड। देखो मतलब देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे, ये आपका OH है। अगर मैं इसको कैसे लिखूंगा ध्यान से समझेंगे, देखो C6H5 में से, सॉरी C6H6 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, कितने हाइड्रोजन को बच्चों? एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा और इसकी जगह मैं एक OH ग्रुप को ऐड कर दूंगा। OH ग्रुप का मतलब आपका कौन सा ग्रुप बच्चों? हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर मैं ऐड करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा? C6H5OH। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिनोल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिनोल। फिनोल इज अ, फिनोल को हम एक और रिपीट क्या बोल सकते हैं? फिनोल इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। आपका फिनोल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसका बच्चों? बेंजीन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो ध्यान से, फिनोल और ये आपका फिनाइल है। फिनोल और फिनाइल में बेटा रात दिन का फर्क है, ध्यान से समझेंगे रात दिन का फर्क कैसे। देखो ये कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनाइल, नॉट फिनोल, ठीक है बच्चों। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फिनाइल। इसी तरीके से फिनोल के और भी कंपाउंड होते हैं बच्चों, जैसे देख लेते हैं, ये आपका CH3 और यहाँ पर आपका OH, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे मेटाक्रिसोल, ठीक है मेटाक्रिसोल। यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका OH, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका OH, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेराक्रिसोल, ठीक है। ये इस तरीके से नेक्स्ट और भी हम बोल सकते हैं बच्चों। देखो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे कैचॉल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैचॉल, ठीक है बच्चों। और भी है बच्चों नाम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिसोर्सिनॉल, रिसोर्स सिनॉल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूनॉन, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूनॉल। बच्चों दोनों OH अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्विनॉल, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनॉल भी बोलते हैं बच्चों इसको, तो इसको बोलेंगे क्यूनॉल। या फिर एक आप जानते होंगे, यहां पर अगर तीन आपके OH ग्रुप लगे रहेंगे एक साथ तो इसको बोलेंगे हम पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पायरोगैलॉल, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर अगर मैंने यहां पर इस तरीके से तीन NO2 ग्रुप लगा दिए ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे, तो इसका जो नाम होगा ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका, आई होप कि आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। और इसकी एसिडिक कैरेक्टर, यहां पर जो हाइड्रोजन होता है बच्चों ये आपका ज्यादा ही एसिडिक होता है। ये जो हाइड्रोजन होगा बच्चों ये आपका क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर ऑफ NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है NO2 आपका, क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। अब यहाँ पर NO2 अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, NO2 आपका यहाँ पर -N भी शो कर रहा है और यहाँ पर आपका क्या शो कर रहा है बच्चों? यहाँ पर आपका -N, यहाँ पर भी -N, यहाँ पर भी -N, साथ साथ -I, तो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर की वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा ही एसिडिक हो जाता है। इस वजह से पिक्रिक एसिड आपका हाईली एसिडिक होता है। तो इस तरीके से कुछ आपके कंपाउंड थे फिनोल से रिलेटेड जो आपको याद रखने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो एक एक करके अब हम फिनोल का प्रिपरेशन मेथड को समझते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक करके ध्यान से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ
प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे बच्चों? सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, बाई क्यूमीन। इसको ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? बाई क्यूमीन, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर। फर्स्ट बाय क्यूमीन, क्यूमीन के थ्रू हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? देखो बच्चों, यहां पर मैंने आपको क्या बना दिया बच्चों, क्यूमीन बना देता हूं। देखो ये आपका क्यूमीन है। अब यहां पर क्यूमीन की रिएक्शन, ठीक है, क्यूमीन की रिएक्शन में अगर O2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में, यहां पर क्यूमीन की रिएक्शन अगर मैं O2 के प्रेजेंस में बच्चों आपका करा दूं और यहां पर H+ और H2O ले लूं, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर आपका बनेगा OH, फिनोल बनेगा और साथ में आपका एसीटोन निकलेगा। तो अब हम बच्चों इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरीके से आपका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म की ओर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे बच्चों अच्छे से। अगर इसका मैकेनिज्म याद रहेगा तो अपने आप आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहां पर समझते हैं सबसे पहले कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, ठीक है? तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम यहां पर क्यूमीन का प्रिपरेशन करते हैं। देखो क्यूमीन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे बच्चों, ये आप जानते हो, CH3 CH2 CH2, यहां पर CH3 CH2 CH2 Cl के प्रेजेंस में, अगर मैं AlCl3 के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराऊंगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों? फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है? फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां पर ये यह आपका फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा और फटाफट यहां पर क्या बनाएगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट क्यूमीन बना देगा। क्यूमीन क्या बनेगा बच्चों यहां पर? एज अ मेजर प्रोडक्ट ये आपका क्यूमीन बन गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ये आपका क्यूमीन बन गया मेजर प्रोडक्ट। अब क्यूमीन की रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराऊंगा, O2 आपका कुछ ऐसा होगा बच्चों, ठीक है, O2 के साथ कराऊंगा तो यहां पर ये यहां मूव करेगा तो यहां पर पार्शियल माइनस, यहां पर आपका पार्शियल प्लस, या फिर आप फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो, तो यहां पर पार्शियल प्लस। अब ये यहां पर H, ये यहां पर आपका पार्शियल प्लस, ये आपका पार्शियल माइनस। अब ये क्या क्या होगा बच्चों, ये यहां अटैच होगा और ये वाला ग्रुप आपका यहां अटैच होगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, यहां पर आपका ये आपका कुछ इस तरीके से अटैच हुआ होगा, हम ऐसा सपोज कर सकते हैं बच्चों। ध्यान से समझना बच्चों, पहले हमेशा रिएक्शन आई उसके बाद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ओनली एक आइडिया होता है कि आपका रिएक्शन किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन आफ्टर एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H+, H+ आपका अटैक करेगा कहां पर बच्चों? इस पॉइंट पर। जैसे ही आपका इस पॉइंट पर अगर आपका H+ अटैक करेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद वाली स्टेप आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो ये आपका इस तरीके से, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O+H2, ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है, अब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और ये वाला यहां से फिनाइल ग्रुप आपका क्या करेगा बच्चों? माइग्रेट होगा। तो यहां पर क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, इस ग्रुप का आपका माइग्रेशन होगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH3, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर आपका O, यहां पर आपका कौन सा ग्रुप बच्चों? फिनाइल ग्रुप, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर जब मेरा H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पर तो आपका क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझते हैं, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट में आपका अगर आपका H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा? CH3 CCH3, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इस तरीके से आपका क्यूमीन बना देगा, इस तरीके से आपका ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला H आपका इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, प्रोटोन, यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोन ट्रांसफर, यहां पर आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो आपका क्या बनेगा? CH3 CCH3, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका OH, ये आपका प्लस, यहां पर आपका फिनाइल ग्रुप इस तरीके से अटैच होगा। अब ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर आपका फिनोल तो बन गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से क्या होगा कि ये वाला आपका बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? साथ में एसीटोन, साथ में आपका क्या बन जाएगा? एसीटोन। और
और यहाँ से आपका H प्लस का रिमूवल होगा, मतलब जिस तरीके से एसिड आया था एसिड उसी तरीके से बाहर निकल गया। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसका नाम आपका क्या होगा बच्चों, इसका नाम आपका जो होगा बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड इसका नाम होगा बच्चों, ठीक है। सॉरी इसका नहीं बच्चों, इसका नाम आपका क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड होगा, यहां पर तो एच प्लस आया है, ठीक है। इसका नाम आपका क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड होगा। तो इस तरीके से यहां पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ये तो था बच्चों हमारा पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड की ओर मूव करते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखते हुए हम इस मेथड की ओर मूव करते हैं बच्चों, अगले मेथड की ओर देखते हैं कि अगला मेथड हमारा क्या है। नेक्स्ट मेथड, सेकेंड सेकेंड मेथड हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 विद बेसिक मीडियम, ठीक है। ये आपका है। अब इस प्रोसेस का एक अलग से स्पेशल नेम होता है बच्चों, उसका नाम मैं आपको लिख के बताता हूँ बच्चों, ध्यान रखना है। इसका नाम होता है बच्चों डेकिन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों, डेकिन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका प्लस एच, आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो प्लस एम ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, प्लस एम ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। आप जानते हैं कि प्लस एम ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो ये आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने OH लगा दिया या फिर मैंने इस तरीके से लगा दिया, प्लस एम ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए बच्चों, या फिर मैंने इस तरीके से लगा दिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके से मैंने बोल दिया एक और कंपाउंड, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों, प्लस एम सब्स्टिट्यूटेड आपका होना चाहिए। यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से या फिर इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया। जरूरी नहीं है बच्चों कीटोन में मैं NH2 लूंगा, मैं NH2 मतलब प्लस एम ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड मुझे लेना पड़ेगा। कौन सा, प्लस एम ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड लेना पड़ेगा। और ये जो ग्रुप लगेगा वो आपका कौन से पोजिशन पे लगेगा, ये ग्रुप आपके लगेगा बच्चों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगने लगेगा बच्चों ये ग्रुप आपका। तो ये ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएगा। कौन सा बनाएगा बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका बनाएगा ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक बार इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसी के नेक्स्ट सेगमेंट पे, उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस रिएक्शन को किस तरीके से हम लिखेंगे, देखो बच्चों यहां पर इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका ऑर्थो है। अब देखो क्या होता है बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड है, ये आपका इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। कौन, H2O2 और OH-, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर साथ में आपका यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर कीटोन को लिया, किसको लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने कीटोन को लिया, देखो ये मैंने कीटोन को लिया और यहाँ पर मैंने ऑर्थो पोजिशन पे, आप ऑर्थो की जगह बच्चों ये आप पेरा पे भी लगा हुआ मिलेगा तो भी आपका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर H2O2OH- लगा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आई होप सो कि आपको यहाँ पर बन जाएगा OH, और यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा CH3CO CH3CO-, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ से हमको कैचोल भी बन सकता है और हम यहाँ से हाइड्रोक्विनोल भी बना सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, इस मेथड के थ्रू हम हाइड्रोक्विनोल भी बना सकते हैं और कैचोल भी बना सकते हैं। अगर NH2 होगा तो अमाइन डेरिवेटिव कंपाउंड भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं बच्चों, क्या किस तरीके से हमको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अप्रोच करना है। काफी इजी है बच्चों, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक
करके ध्यान से देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने हाइड्रोबोरेशन में आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों कि जैसे आपका H2O2 है, ठीक है, H2O2 अगर आपका OH माइनस के साथ अटैक करेगा तो इससे H प्लस आयन लेगा और ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, यह आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका बिहेव करेगा। तो मैं यहां पर ये वाला कंपाउंड ला लेता हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाएगा, RCO, ये मैंने कंपाउंड ले लिया और यहां मैंने यहां पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन पे कभी भी आपको प्लस एम ग्रुप नहीं लगाना है। कहां लगाना है? यहां पर पैरा पोजीशन पे, ठीक है, प्लस एम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये है जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये आपका अटैक करेगा यहाँ और ये बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझो, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आपका ये आपका R, ये आपका O माइनस और यहाँ पर आपका OOH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर आपका OH, ठीक है, ये काफी इजी रिएक्शन था। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका माइग्रेशन होगा, देखो किस तरीके से होगा, ध्यान से समझेंगे। देखो ये बॉन्ड आपका कहाँ आएगा, यहाँ खुलेगा, ये वाला बाहर जाएगा और ये पूरा ग्रुप आपका यहाँ माइग्रेट होगा। ध्यान से एक और बार, ये यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस, और ये आपका कहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैक कर जाएगा। ध्यान से समझना एक और बार, जब ये आपका यहाँ कब माइग्रेट करेगा, जब ये यहाँ से खुलेगा, अब ये यहाँ से खुला है तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और यहाँ से OH आपका बाहर निकलेगा। आप इस स्टेप को एक बार करना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से R, यहां पर आपका R, ठीक है, अब ये आपका किससे कनेक्ट हुआ, इस ग्रुप से कनेक्ट हुआ। नाउ आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इस ग्रुप को क्या बोलोगे बच्चों, इस ग्रुप को हम बोल सकते हैं ईस्टर, ईस्टर ही तो होगा बच्चों, ये COO1, ये आपका ईस्टर कंपाउंड है। अब ईस्टर कंपाउंड की रिएक्शन में अगर OH माइनस के साथ कराऊंगा तो OH माइनस कहां अटैक करेगा बच्चों, यहां पर, और ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। काफी इजी रिएक्शन है, तो एक बार देखते हैं बच्चों किस तरीके से हो रहा है। तो देखो यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, काफी इजी रिएक्शन है, ये आपका O माइनस, यहां पर आपका OH, ये आपका R, ठीक है, आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आपका नीचे जाएगा और यहां से ये आपका खुलेगा। अब जैसे ही ये आपका खुलेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका O माइनस, यहां पर आपका OH था, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका RC डबल बॉन्ड OH। अब यहां से आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, या फिर हम इसको प्रोटॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं, इसको हम हाइड्राइड शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं। हाइड्राइड, यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है ना कि H माइनस का, इसलिए हम हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहां पर आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद यहां पर ये OH कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपका क्या बना लेगा, RCOO माइनस। एक्चुअली में ये आपका फिनोल बनाने का प्रिपरेशन मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर इसलिए बताया कि आपको ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर इसके अंदर प्लस एम ग्रुप होगा तो ये इसको सपोर्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट करेगा। तो ध्यान रखो कि इस मेथड से भी हम यहाँ पर फिनोल बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम यहाँ पर क्यूनॉल और किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों, कैचोल का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस है, डाउ प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस को समझते हैं बच्चों हम, डाउ प्रोसेस। अब देखो डाउ प्रोसेस क्या है बच्चों, डाउ प्रोसेस आपका क्या होगा बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। डाउ प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, बाय बाय हेलो बेंजीन। अब देखो बाय हेलो बेंजीन से हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से समझते हैं। सिंपली वे में अगर मैं डॉ प्रोसेस को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों, ये आपका क्लोरो बेंजीन मैंने बना दिया, यहाँ पर मैंने आपका क्लोरो बेंजीन बना दिया। अब यहाँ पर NaOH ये मैंने ले लिया थ्री, यहाँ पर मैंने लिया 200 ATM, 200 ATM, और यहाँ पर मैंने लिया 300 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने टेम्परेचर और कुछ प्रेशर को सेट किया, और टेम्परेचर और प्रेशर को सेट करने से मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चों, यहाँ पर मुझे मिला पहले O माइनस Na प्लस, देन आफ्टर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये फर्दर फर्दर अगर मैं इसकी रिएक्शन
फर्दर में इसकी रिएक्शन आपका एच प्लस या एच सी एल या एच टू एस ओ फोर के साथ करवाऊंगा, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओ एच में, और साथ में आपका यहाँ से एन ए सी एल बाहर निकल जाएगा अगर मैं एच प्लस लूंगा तो। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म क्या होगा, इस रिएक्शन को हम किस पाथवे से डिसाइड कर सकते हैं, हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं बेंजाइन पाथवे से हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों देखो किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझते हैं बच्चों ध्यान से, काफी इजी है। हाँ बेटा, लेकिन आपके जो पिछला वाला मेथड है उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको ओएच लगाना ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, आपको जो पिछले वाला मेथड मैंने बताया था उसमें आपको ओएच का कंसेप्ट ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ उसमें आपको पूछेगा नहीं। अगर एच टू ओ टू की जगह अगर आपको डी टू ओ टू दे तो आप ओडी लगा देना, बस यही आपका कंसेप्ट है। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पर एच है, यहाँ पर मैंने ओ एच माइनस लिया, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अब ये आपका यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो किसका प्रिपरेशन करेगा बच्चों, बेंजीन का। अब यहाँ पर आपका बेंजीन का प्रिपरेशन हुआ, अब ओ एच माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ अटैक करेगा, अब ये आपका यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपका ओ एच आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोटोन ट्रांसफर, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोन ट्रांसफर। अब यहां से प्रोटोन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा ओ माइनस। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब शुरुआत में मैंने एन ए ओ एच लिया था, तो एन ए आपका इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना प्रोसीड होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन एच सी एल के साथ कराऊंगा तो ये अब आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका OH में, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl। दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ डाउ प्रोसेस। बेटा यहाँ पर हेलोबेंजीन के थ्रू हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको तो हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस, लेकिन इसका एक और मेथड है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, Cl की रिएक्शन Mg ड्राई इथर के साथ करा दूं, तो जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर आपका किसका प्रिपरेशन होगा बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, यहाँ पर आपका किसका प्रिपरेशन होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। और अगर मैं इसकी रिएक्शन O2 के साथ करा दूं तो ये आपका इस तरीके से खुलेगा, तो यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो इस तरीके से अगर आपका खुलेगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये प्लस चार्ज वाला आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिनाइल रिंग आपका, एक फिनाइल रिंग आपका इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक आपका MgCl इस तरीके से अटैच हो जाएगा। नाउ फर्दर मैं अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा NH4Cl के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनोल, और यहाँ पर आपका बन जाएगा MgCl OH। आई होप सो कि आपको ये मैकेनिज्म भी समझ में आया होगा, किस तरीके से हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। आपको समझने के लिए इसको बीच में से तोड़ दोगे तो हाइड्रोलाइसिस आपको अपने आप आ जाएगा, इसको बीच में से इस तरीके से कट कर दोगे तो आपको हाइड्रोलाइसिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, बाय सल्फोनेशन, बाय सल्फोनिक एसिड, ठीक है, आपका फोर्थ है बच्चों, बाय सल्फोनिक, बाय सल्फोनिक एसिड। देखो सल्फोनिक एसिड के थ्रू आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे बच्चों, ध्यान से समझना, काफी इजी कंसेप्ट है। देखो यहां पर मैं सबसे पहले आपको सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करके बताता हूँ बच्चों। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन H2SO4, कौन सा बच्चों, फ्यूमिंग कंडीशन वाला, कौन सा कंडीशन वाला, फ्यूमिंग, या फिर H2S2O7 ओलियम ले लिया, क्या ले लिया, ओलियम ले लिया, ये रिएक्शन मैंने आपको कराई हुई है बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, सल्फोनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फोनेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है, यहां से यहां तक का जो आपका प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। ये मैंने बेंजीन में आपको कराया था बच्चों, ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराऊंगा तो NaOH का बेस और ये आपका एसिड, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ये यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, SO3 माइनस और Na प्लस। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि SO3 आपका क्या है बच्चों, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ड्यू टू द गुड लिविंग एबिलिटी, ड्यू टू द गुड लिविंग एबिलिटी, मतलब अच्छी लिविंग एबिलिटी होने की वजह से ये आपका यहाँ से लिव करेगा, और इसके ऊपर NaOH का OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर आपका क्या प्रिपेयर कर लेगा बच्चों, फिनोल कंपाउंड। आई होप सो कि आपको यहाँ तक फिनोल कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक
ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड, फिफ्थ, बाय बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, बाय बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आपका, मैंने आपको जैसा बताया था, Rn2+ ग्रुप Cl- नॉट सो स्टेबल, ठीक है। बट आपका यहाँ पर Ar(N2+ Cl) ग्रुप स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन इन Ar(N2+), देन N2+ कैन एक्ट एज लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों रिएक्शन किस तरीके से करानी है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने इस तरीके से बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट लिया बच्चों, N2+ Cl-। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O H+ के प्रेजेंस में, अगर मैं वार्म कंडीशन में कराऊंगा, वार्म का मतलब हीट में कराऊंगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपको यहाँ अटैक करेगा और ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका फिनोल कंपाउंड बनाएगा और साथ में N2, और साथ में क्या निकाल देगा बच्चों, HCl। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर फिनोल का प्रिपरेशन किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल को देखेंगे, तो इसमें कुछ रिएक्शन आपको मगअप करनी पड़ेगी, तो बच्चों आई होप कि आप लोग अच्छे से मगअप कर लोगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।